वेरी ब्यूटीफुल मेहंदी पुट बाय रिबेका जोसेफ. कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है एंड आई एम टू मच टायर्ड, लेकिन मुझे खुद के भी लगानी है. कल हम राखी सेलिब्रेट कर रहे हैं. आई वॉन्ट टू टेल समथिंग. आई ऑलवेज यूज टू फील दैट यू नो राखी इज अबाउट बींग अ पर्टिकुलर रिलीजन एंड सेलिब्रेटिंग इट. I want to tell you this that it's not about any particular religion. It's about the bond. आपका bond इसलिए नहीं कि वो आपकी कोई रक्षा करेगा या कुछ, इसलिए क्योंकि आप भाई या बहन हैं. मैं अपने भाइयों से मैंने पूछा कि if because मैंने कभी उनको राखी नहीं बांधी honestly, और वो हमेशा रुक जाते थे. जैसा कि मेरे बड़े भाई ने मुझे बोला कि वो हमेशा रुक जाता था मुझे बोलने के लिए कि मुझे भी राखी बनवानी है. ये इट्स अ स्पेशल टाइम यू नो, सेलिब्रेशन ऑफ सिस्टरहुड एंड ब्रदरहुड एंड आई फील दैट आज मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ. देखो मैंने मेहंदी लगवाई है, रिबेका ने लगाई है और शी इज़ अ वंडरफुल मेहंदी आर्टिस्ट. आई वुड से नॉट वंडरफुल बट नो इट्स वंडरफुल. शी जस्ट इसने सिर्फ इमेज देखी और ये ऐसा पूरा बना दिया. सी सो आई just want to tell you this, it's not about any particular religion, it's upon the bond you share and you should not be judgmental upon it. भैया देखिए क्या कर रहे थे. वेल जैसा दीदू ने कहा, ओके लेट मी क्लियर, शी इज़ माई भाभी बट आई कॉल हर दीदू क्योंकि भाभी बोलने से मुझे थोड़ा सा परायापन लगता है. ऐसा लगता है शी इज़ वेरी पराई फॉर मी बट या आई कॉल हर दीदू. सेम हेयर, मैंने भी कभी बचपन से लेके आज तक भैया को कभी राखी नहीं बांधी. बिकॉज आई फील कि क्या कहते हैं, भाई बहन का प्यार एक धागे से जुड़ा हुआ नहीं होता. मेरा ऐसा कभी सोचना था और इसलिए मैंने कभी नहीं बांधी राखी कि धागा क्या डिसाइड करेगा कि हमारा प्यार क्या है क्या नहीं वगैरह वगैरह. एक मैं इंटरप्ट करना चाहूँगी, तो फिर हम लोग बर्थडे पे केक क्यों काटते हैं? Exactly. क्या केक नहीं काटेंगे तो क्या हम बड़े नहीं होंगे? वी सेलिब्रेट दैट, वी सेलिब्रेट दैट डे, राइट? ओके द थिंग, इस चीज़ को सोचना अब मेरी थिंकिंग इज चेंज नाउ. तो आई हैव जस्ट डिसाइडेड फ्रॉम दिस ईयर आई विल टाइंग राखी टू माई ब्रदर. तो देखते हैं इस साल से शुरू करते हैं. क्या कर रहे हो? मैं भी मेहंदी लगानी जाड़ू, इनकी लगा दी, मैंने गीता भाभी की भी लगाई. भाभी मुझे बताना कैसी लगी. Hey everyone, welcome back to the channel. This is RPG और आज है रक्षाबंधन. आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं आपसे एक सवाल के साथ शुरू करना चाहता हूँ और वो ये है कि क्या आप रक्षाबंधन बनाते हैं, राखी को बनाते हैं? क्या हो गया भाई? क्या आप राखी का ये त्यौहार बनाते हैं? अगर बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं ये बताओ. अगर नहीं बनाते तो क्यों नहीं बनाते ये भी बताओ. मुझे जानना है भाई, ठीक है? एक मिनट, शायद राहुल ने हमारी पहली वाली वीडियो में देखी, इनको पता ही नहीं हमने क्या कर दिया था. वो तो अभी एडिट होगी ना. तो यही सवाल है मेरा आप लोगों से कि डू यू सेलिब्रेट रक्षाबंधन? इफ यस देन व्हाई, इफ नो देन आल्सो व्हाई. तो रीजन बताइए आप कमेंट करके मुझे, और कमेंट जरूर करना है इस बारी क्योंकि मुझे जानना है, ठीक है? तुम प्रधानमंत्री हो तुम्हें जानना है. अरे भैया मेरी हेल्प कर दो बस. क्यों तुम्हें समझ नहीं? मैं जानना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए. हमारे जो भाई लोग हैं, हमारे जो बहन लोग हैं, कुछ बनाते हैं कुछ नहीं बनाते हैं, और बाकी आप सब तो बनाते ही हैं, विच इज राहुल आई थिंक ओके गुड. गिफ्ट तो हम उसके लिए पहले ले चुके हैं, उठा के दे चुके हैं. कपड़े धल ले, लत्ते कपड़े है क्या देना है? 5 रुपये दे दूंगा, ठीक है? 5 रुपये में खुश रही हो, 5 रुपये में बहुत कुछ होता है. ऐड देखिए, निकाल 5 रुपये निकाल. कितने साल पहले? अरे अभी भी आती है, 5 रुपये की आती है अभी फेविक्विक. और हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, आप लोग जो हमारे व्यूअर्स हैं, आप यू ऑल आर मिक्स ऑडियंस. सो आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू दैट जो भी मेरे सवाल हैं, ठीक है? तो अभी तो हम भैया, मैं तो नहा धो के अच्छे से तैयार हो चुका हूँ. तैयार मतलब नहा धो चुका हूँ, बाल बना लिए हैं,
मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं लोगों में, वैसे बाल मुझे करने हैं बहुत ही जल्द। ये विक्स क्यों लगा रही है हाथ पे? फोर्स में ना थोड़ी सी ब्लैक हो जाएगी। क्या मेहंदी? देखो इस लड़की ने मेहंदी लगाई है रात को। पुनः ने लगाई है? रिबेका ने लगाई है, मेरी बहन ने। कितनी अच्छी रची है ना। कुछ लोग इस पे भी क्वेश्चन करेंगे पता है, तुमने मेहंदी क्यों लगाई? करते पागल पागल लोग, पागल लोग। मेरी मर्जी, मेरे हाथ तुम्हारे हाथ पे लगाई क्या? मैंने मुंह पे क्यों नहीं लगाती? ओके गाइस, अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। घर चलेगी ना तू? मतलब उसने मित्रा का भेजा तो तुम्हारी नियत खराब हो गई, इसने मुझे एनवेलप दिया तुम्हारी नियत खराब है। तो मेरे तो दो दो भाई और है तेरे। को मिली है नई घड़ी, स्मार्ट वॉच। मेरे को कॉल काट दी है, कॉल काट दी। तो जिसकी उम्मीद थी वही है यहाँ पे जाम। हमारे इस एरिया में बहुत जाम होता है रक्षाबंधन वाले दिन स्पेशली, जिस जो भी त्यौहार होता है उस दिन बहुत जाम होता है। अभी हम 15-20 मिनट से यहाँ पे फंसे हुए हैं और आगे देखो आप लोग क्या हाल है। चारों तरफ जाम है, चारों तरफ जाम। रक्षाबंधन, राखी का त्यौहार। ये बहनें गई थी अपने अपने भाइयों के पास, मेरे भी कुछ कुछ बांध दिया है। और देखो इन गिफ्ट्स, देखो इनके गिफ्ट्स, देखो कैसे लूट मचा के आई अपने भाइयों से। देखो ये मेरी बीवी बचा के आई है भाई से लूट। दिखाओ अंदर रख देंगे, दिखाओ। ठीक है, करवा चौथ थोड़ी है। हाँ बास्केट मिली है खाली। अरे सारा सामान इसको मत पा रही हूँ। बेटे क्या हुआ अचानक से? बकवास कम करो। हैं? ऐसे कर जैसे मैंने बताया था, वो एक्सरसाइज कर अभी। आ एक बार कर, अरे ठीक हो जाएगा वो दर्द, मेरे भी होता है ना। इसके ना कान में यहाँ पे अचानक से दर्द शुरू हो गया इधर। कैन यू फील इट, इट्स बिकमिंग वार्म। मैंने चांटा नहीं मारा, ऐसे कर। आ हुआ ना? नहीं दर्द तो हुआ, वो बंद करने पे हुआ। तुम मुंह खोल के रख। अभी ठीक हो जाएगा, ध्यान मत दे। बच्चों को बोल के ना बचपन में पागल बनते थे, ध्यान मत दो ठीक हो जाएगा। हाँ इसके हो रहा है कान में दर्द, अचानक से हो गया बेचारे के कान में दर्द। क्या खा रही थी बेटा? गिफ्ट खा रही थी जो भैया ने दिए थे, मेरे बड़े भैया बिग ब्रदर ने। वो गिफ्ट खाते खाते गिफ्ट कान में दर्द हो गया। गिफ्ट खा रही थी। गिफ्ट क्या था? खाने की चीज थी गिफ्ट? आकर आ, हाँ बंद कर एकदम, आकर बड़ा सा मुंह खोल। चुप हो जाओ यार। अरे ठीक होगा ना, एक्सरसाइज है। आ आ सरसों का तेल आ गया, गरम गरम डाल ले, सारा मैल उस कान से बाहर आ जाएगा। आजा मैं डालता हूँ रूई से गरम गरम तेल, तेरा उस कान से सारा निकल आएगा मैल जितना भी जमा हुआ है ना। इसके कान भी खुल जाएंगे।
यो निगा सुबह तक मेरी बीवी ना साइन लैंग्वेज में बात करेगी। कैसे बोलते हैं आई लव यू तो नहीं बोलेगी, आई हेट यू बोलेगी। थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेते हैं, थोड़ा सा कुछ सीखते हैं। यूट्यूब पे व्लॉगिंग कैसे की जाती है, गौरव तनेजा है फ्लाइंग बीस्ट, और एक है मुंबई कर निखिल, और है बहुत सारे लोग हैं। सीखना चाहिए ना एक दूसरे को देख करके, और हमें सीखते रहना चाहिए। सो आज का दिन ऐसे ही निकला, रक्षाबंधन राखी वाखी सब हो गया, इन लोगों को इन्होंने बना लिए, बांध लिया, सब कुछ कर लिया। मेरी भी मेरी बहन ने आकर के बांध दी। मैं कहूँगा अभी देख करके शायद कुछ लोग ये भी सोचेंगे वह हम लोग ऐसे बना रहे हैं, पर आई वुड से दैट इट्स जस्ट अ थ्रेड। पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ, सबको बताना चाहता हूँ जितने देखिए, इट्स जस्ट अ थ्रेड। इससे कोई हमारा रिश्ता पुख्ता नहीं होता है। वी विल बी स्टिल ब्रदर्स एंड ब्रदर एंड सिस्टर फॉर ईच अदर, एंड जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम एक दूसरे के ही हेल्प आएंगे। आई विल बी देयर फॉर देम, दे विल बी देयर फॉर मी, और सिमिलरली सेम फॉर यू ऑल। आपकी भी बहनें या आपके भी भाई आपके लिए खड़े होंगे, ये बांधो या ना बांधो, है ना। एवरी डे इज़ सिस्टर्स डे, एवरी डे इज़ ब्रदर्स डे, एवरी डे इज़ अ रक्षाबंधन, वट एवर इज़ इट। तो मैंने आपसे इस व्लॉग की शुरुआत में यही सवाल किया था कि आपको क्या लगता है, आप क्यों बनाते हैं या फिर क्या रीज़न है या क्यों नहीं बनाते, मुझे कमेंट करके बताएं। तो कमेंट ज़रूर करना भाई लोगों और बहन लोगों, ठीक है, और बताना आपका अपना एक्सपीरियंस। आपको देखो लोगों मैंने टांग रखी है बाहर से लेके आए थे काम करते करते। सो टू कमेंट, हाँ कमेंट किया करो यार, अच्छा लगता है, थोड़ा सा हमारा इंटरेक्शन होगा, हम बातचीत करेंगे एक दूसरे से। आई विल बी रिप्लाइंग टू योर कमेंट्स, सो डू कमेंट एंड टेल मी जो भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब चलते हैं सोने, हो गई छुट्टियां ख़त्म, कल से फिर से हो गए हमारा स्कूल शुरू, काम शुरू, और करेंगे सारे काम। सो विल मीट टुमारो, टिल देन वीडियोज देख लो सारी, ठीक है, सारे व्लॉग्स देख लो, बहुत सारे व्लॉग्स हो गए हमारे। दिस इज द 68th व्लॉग, और 68 डेज ऑफ व्लॉगिंग। यू कैन सी ऑल ऑफ देम ऑन अ यूट्यूब चैनल, जो अभी देख रहे हो, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो अभी के अभी, ठीक है, और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाओ दबाओ। देखो कई लोगों को जो आप लोग देख रहे हो, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप लोग शायद पता नहीं चलता होगा कि हमारी वीडियो आ भी गई है, आप लिंक का इंतज़ार करते होंगे, पर मैंने आपको बताया है कि नीचे एक घंटी बनी हुई है जिसको नोटिफिकेशन बेल कहते हैं, उसको दबाओ, और जब आप उसको दबाओगे तो उसमें ऑल सेलेक्ट करो। ऑल सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं शाम को, वो आपके पास नोटिफिकेशन में आ जाएगी और आप देख सकोगे, ठीक है, आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो डू दैट, सो डू दैट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स एंड एवरीवन जिसको आप पहुँचाना चाहते हो ये वीडियो। सो मिलते हैं कल दोबारा से आफ्टर द वर्क, टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, एंड your love is all we need. इधर से ये नहीं आ रहा, मेरे हाथ से।